Hello everyone, this is your teacher Harpreet, and today we are going to talk about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was the writer of late 19th and early 20th century. So ये जो राइटर है इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 से 1941 तक रहा। इंडियन राइटर है, वेस्ट बंगाल का राइटर है और 80 साल का होने के बाद उसकी डेथ होती है। 1941 में अगर इसकी मौत हो रही है तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये कहेंगे कि उस टाइम कॉलोनियल रूल था, बिकॉज ऑल यू नो दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, सो ऑल ऑफ हिज लाइफ वॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम। सो दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। And you all know that Calcutta is the capital of West Bengal. तो Calcutta में उसका जन्म हुआ May 7, 1861 में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से उनको रेफर किया जाता है कि भाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके अलावा उनको कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। इस राइटर को W.B. Yeats ने, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, W.B. Yeats को, जिसने पॉपुलर कविताएं लिखी जैसे कि द सेकंड कमिंग और अदर, और ऐसी कविताएं जिसमें उसने अपने देश आयरलैंड की आज़ादी के लिए जैसे ईस्टर 1916 कविता लिखी। उस दुनिया के बेहतरीन कवियों में से एक कवि W.B. Yeats, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार जिसके अंतर्गत $50,00,000 मिलते हैं, उसने भी रविंद्रनाथ टैगोर को अप्रिशिएट किया। और W.B. Yeats ही था जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश वर्ल्ड में, इंग्लिश रीडरशिप में। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में पैदा हुआ। ओरिजिनली वो बंगाली भाषा का कवि था, उसने अपनी कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, पर वो ओरिजिनली अपनी मदर टंग बंगाली में कविताएं लिखता था। कवि के साथ साथ वो अपनी कविताओं के कारण लोकप्रिय हुआ। वैसे कवि के साथ साथ उसने प्ले राइट भी था, वो उसने प्लेज भी लिखे, नाटक भी लिखे, नॉवेल्स भी लिखे। और एक सबसे अलग सी बात उसके बारे में कि वो एक पेंटर भी था, उसने अपनी पेंटिंग्स भी दी। कहते हैं कि 2300 के करीब उसने पेंटिंग्स अपनी बनाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी पढ़ता था और एक्सेप्शनल लिटरेरी फिगर था। वो एक पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ का मतलब होता है जो अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज रखता है। तो वो पहला नॉन यूरोपियन बना जिसने नोबेल प्राइज़ जीता। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर के लिए। और क्योंकि उसकी जो कविताओं की किताब थी गीतांजलि, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो किताब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई इंटरनेशनली। चाहे वो किताब बंगाली भाषा में लिखी थी, पर बाद में उसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस कविताओं की किताब को इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट किया और पब्लिश कराया। नोबेल कमेटी, नोबेल प्राइज़ की जो कमेटी है, वो उसकी कविताओं के बारे में कहती है कि इसकी कविताएं अत्यंत संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर हैं। और ये पहला
इंडियन बना जिसको पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला। अदरवाइज़ यूरोपियन लोगों को ही नोबेल प्राइज़ मिल रहे थे, तो पहला भारतीय था 1913 में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला। और कमाल की बात ये है कि आज तक 1913 से लेके आज तक 2022 तक कोई भी और राइटर नहीं हुआ जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड हिम एज द फर्स्ट एंड द लास्ट राइटर हु कुड अचीव द बेस्ट अवार्ड ऑफ लिटरेचर, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1915 में टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव ने उसको नाइटहुड की उपाधि से संजोया। उस नाइटहुड की उपाधि यानी कि उसको सर की उपाधि दी गई। तो सर की उपाधि का मतलब कि उसके नाम के शुरुआत में सर लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक अवार्ड, ये एक ऑनर ब्रिटिश सरकार ही देती थी। तो 1919 में उसने अपने देशभक्ति के कारण, उसने जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखा, उसने हत्याकांड के बारे में जाना, तो उसने गुस्से में सरकार का ये बड़ा प्राइज़ जो था नाइटहुड का, ये वापस कर दिया। उसके बाद 1921 में उसने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जिसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा गया। आज भी ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। 1921 में इसको एस्टेब्लिश किया था खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहा। रविंद्रनाथ टैगोर आज भी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि भारत की नेशनल एंथम, भारत का नेशनल एंथम जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई है। और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। आगे उसकी पोइट्री की कविताएं हैं जो आपने सभी ने एक बार देख लेनी है, बलका, कहानी, कल्पना, मानसी, प्रांतिक, उत्सग्रा, सरगा, सोनरतारी, नेबेद्य, गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिंग इंग्लिश में, पलक का, प्रभात, संगीत, ये उसकी कविताएं हैं। और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी दी हैं। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था माय रेमिनिसेंसेस, मेरी यादें, पंजाबी दे विच इनू मेरियां यादां कहते हैं। उस तो इलावा उसने एक ऐसे दी किताब दिती जिदा नाम सी द रिलीजन ऑफ मैन, मनुष्य का, आदमी का रिलीजन, आदमी का धर्म। उसने जो प्लेज लिखे हैं वो ये कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख पा रहे हो। उसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, सबसे पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी उसकी काबुली वाला है, जो अलग अलग सिलेबसेज में हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में। उसने नॉवेल्स लिखे, नॉवेल्स भी उसके काफ़ी एमए की सिलेबसेज में हैं, जैसे गोरा नॉवल उसका बड़ा पॉपुलर था, होम एंड द वर्ल्ड उसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। हम बात करेंगे गीतांजलि की, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है। गीतांजलि बंगाली में कविताएं ये उसने दी थी। गीतांजलि का मतलब है सॉन्ग ऑफरिंग, परमात्मा को फूल समर्पित करना, ये इसका टाइटल का मीनिंग है। 1910 में ये कविताएं आई थी, 156 कविताएं आई थी, पर बाद में इन कविताओं को उसने खुद ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके इसका टाइटल दिया सॉन्ग ऑफरिंग, परमात्मा को गीत जो हैं वो ऑफर कर रहा है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें 156 कविताएं तो नहीं थी, उसने कम करके इस 103 कविताएं पब्लिश कराई। ये उसकी खुद ट्रांसलेट की हुई कविताएं थी और इंडियन सोसाइटी में ये पब्लिश, इंडियन सोसाइटी नाम का एक जो पब्लिकेशन हाउस था उसके साथ ये ट्रांसलेटेड पोएम्स को पब्लिश कराया गया, किताब के रूप में पब्लिश कराया गया।
इसमें जो 53 कविताएं हैं वो बंगाली गीतांजलि से ली गई हैं 53 कविताएं, और बाकी 50 कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर के और जो कविताओं की किताबें हैं उनमें से ये कविताएं ली गई हैं। इस कविताओं की जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से उसने की, और इस कविताओं की किताब को इंट्रोडक्शन जो थी इस किताब के लिए W.B. Yeats जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्त बन चुका था उसने इस किताब की इंट्रोडक्शन दी थी। इंट्रोडक्शन आप कोई भी किताब खोल के देखते हो तो वहाँ पे कुछ जो पेजेस हैं वो इंट्रोडक्शन के होते हैं। जब W.B. Yeats ने इस किताब की इंट्रोडक्शन दी होगी तो W.B. Yeats भी ये समझता था कि वो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड राइटर है इंग्लिश रीडरशिप के लिए, तो अगर वो खुद रिकमेंड करे लोगों को, इंग्लिश रीडर्स को, कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ी जाएं तो लोग पढ़ेंगे, इसी सोच के साथ W.B. Yeats ने उसकी मदद की और इस तरह से ये कविताओं की किताब उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई। इस किताब की पहली जो कविता थी वो थी परमात्मा को समर्पित ही थी, सभी कविताएं परमात्मा को समर्पित ही हैं। पहली कविता थी दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस, तूने मुझे अनंत बना दिया, ये पहली कविता थी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये कविता हर एक ने पढ़ी होगी क्योंकि अंडर ग्रेजुएट पोइट्री की किताबों में ये कविता आम पढ़ने को मिलती है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और उसके अलावा कुछ कविताएं, देखो हर कविता के लास्ट में मैंने 1, 35, 63, 83, 91, 103 लिखा हुआ है, यानी कि 103 टोटल कविताओं में से पहली कविता दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर 35, दाउ हैज़ मेड मी नॉन टू फ्रेंड्स, तूने मुझे मेरे दोस्तों के साथ नॉन बना दिया, मदर आई शैल वीव अ चेन ऑफ पर्ल फॉर दाई नेक विद माई टीयर्स ऑफ सोरो, माँ मैं अपने आंसुओं के दर्द के साथ मैं तेरे लिए एक, तेरे गले के लिए एक मोतियों की माला बनाऊँगा, ये एक मदर को समर्पित कविता उसने लिखी। ओ दाउ द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, कहता तू परमात्मा कहता, परमात्मा को कहता है, परमात्मा तू जिंदगी की आखिरली पूर्ति है, उसकी लास्ट कविता थी। इन वन सैल्यूटेशन टू दी माई गॉड लेट ऑल माई सेंसेस स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ल्ड एट दाई फीट, कहता परमात्मा मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ, परमात्मा सारी जो मेरी सेंसेस हैं वो फैल जाएं और इस संसार को तेरे चरणों में टच करा दें। तो ये थी सॉन्ग ऑफरिंग, असल में एक डिवोशनल कविताएं हैं, परमात्मा को ये समर्पित कविताएं हैं और इसमें स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिचुअल इस कविताओं को के लिए उसको ये भी कहा जाता है कई बार कि गीतांजलि उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में, पेपर में, कि डिस्क्राइब गीतांजलि एज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये जो है ये वाकई उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ही है। तो उसकी कविताओं में परमात्मा को के लिए समर्पित कविताएं देखने को मिलती हैं, जैसे वो कहता है माई डेट्स आर लार्ज, माई फेलियर्स ग्रेट, माई शेम सीक्रेट एंड हैवी, येट आई कम टू आस्क फॉर माई गुड, आई क्विक इन फियर लेस्ट माई प्रेयर बी ग्रांटेड। पोएम नंबर जो 18 है उसमें वो कहता है परमात्मा को, परमात्मा मेरे कर्जे बहुत बड़े हैं, मेरी फेलियर, मेरी जो नाकामियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मेरी जो शेम है, वो मेरी जो शर्म है वो सीक्रेट है और हैवी है, पर मैं तेरे लिए आई कम टू आस्क फॉर माई गुड, मैं अपने भले के लिए तेरे पास आया हूँ, और मैं डर से ये चाहता हूँ कि परमात्मा कहीं, परमात्मा तू मेरी प्रेयर्स को ग्रांट कर ले, स्वीकार कर ले। यूनेस्को एक इंटरनेशनल संस्था है, उसने तो अपना जो मोटो बनाया है वो भी इसी की कविता से बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर की, वो है एम आई हेयर टू सिंग दी सॉन्ग्स, तो ये है। अच्छा,
तो अब हम बात कर लें वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की। हमें चाहिए तो ये कि इस कविता को हम अलग से इसका इसके ऊपर लेक्चर बनाएं, पर मैं चाहूँगा कि अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। वो परमात्मा को कह रहा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप टू इंटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल। असल में इस कविता में वो चाहता है कि उसका जो देश है वो आज़ाद हो, और इसमें वो चाहता है कि हम अभी तक जो इंडियंस हैं हम आज़ादी को नहीं महसूस कर पाए हैं, और वो चाहता है कि ऐसा संसार उसको मिले जहाँ पर कोई डर ना हो और सभी का जो धड़ है वो एक अपने सेल्फ एस्टीम के साथ रहे, ऊंचा रहे, और वहाँ पर नॉलेज फ्री हो और संसार छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में ना बांटा हो, छोटी छोटी डोमेस्टिक वॉल के साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक देश अपने आप को लेके ज़्यादा पजेसिव ना हो, संसार पूरा संसार एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और मैं चाहता हूँ कि वो संसार ऐसा हो कि उस संसार में कोई भी बंदा अपनी बात करे तो उसके वो सच बोले और उसकी सच की गहराइयों से, उसकी दिल की गहराइयों से सच निकले। वेयर टेल टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, और जो लोग मेहनत करते हैं वो परफेक्शन की तरफ जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वेज इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। और मैं चाहता हूँ कहता कि ऐसा संसार हो, ऐसा समाज हो जहाँ पे लोग रीज़न के साथ चलें, दिमाग के साथ चलें, विजडम के साथ चलें। और मैं नहीं चाहता कि जो रीज़न है जो कहीं विजडम की नदी कहीं सूखे मारुथल में जाके ड्राई हो जाए। मतलब स्ट्रीम ऑफ रीज़न बहती रहनी चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी। परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि तू तेरे तेरे दिखाए हुए तेरे दिखाए हुए रास्ते के ऊपर ही ये माइंड चलता रहे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और तेरे दिखाए हुए रास्ते से विचारशील होंगे और हम कार्यशील होंगे, कर्मवीर होंगे। और परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्वर्गीय स्वर्ग की आज़ादी सबको मिले। परमात्मा, मैं तुझसे यही अरदास करना चाहता हूँ कि मेरा देश जाग जाए, मेरा देश जाग जाए, और ऐसा संसार, ऐसा ऐसा देश जिसकी वो कल्पना कर रहा है, ऐसा संसार बने जहाँ पे आज़ादी हो। तो ये जो थी, ये थी गीतांजलि और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट टू लिसन टू दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।